नमस्कार, पेश है उत्तराखंड के मुख्य समाचार। उत्तराखंड में 25 मई तक बढ़ा कोविड कर्फ्यू, सख्त होंगी पाबंदियां। उत्तराखंड में दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने कोविड कर्फ्यू को एक हफ्ते और बढ़ा दिया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं के लिए घर से बाहर निकलने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसे देखते हुए राज्य सरकार पास जारी करने की व्यवस्था पर विचार कर रही है। इसको लेकर बैठक होनी है और उस बैठक में निर्णय लिए जाने के बाद कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ाने संबंधित आदेश जारी कर दिए जाएंगे। ऋषिकेश एम्स में ब्लैक फंगस के 19 मरीज, एक की मौत। उत्तराखंड में कोरोना प्रकोप के बीच ब्लैक फंगस नामक नई बीमारी आफत बनकर आ गई है। ऋषिकेश एम्स में अब तक ब्लैक फंगस के 20 मरीज आ चुके हैं, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है। इसको लेकर एम्स प्रशासन ने 15 लोगों की एक टीम गठित की है, जो हाई रिस्क कोरोना पॉजिटिव लोगों में ब्लैक फंगस की जाँच करेगी। यात्रियों ने होटल कर्मचारी को किया लहूलुहान, जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद से आए दो युवक और एक युवती ने होटल कर्मचारी को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। होटल कर्मचारी कमरे में बेहोश मिला है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल होटल कर्मचारी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। संजीव मर्डर केस, पत्नी ने प्रेमी संकी की हत्या, अप्राकृतिक यौन संबंध हत्या का कारण। हरिद्वार के लक्सर पत्री थाना पुलिस ने 7 दिन पहले रानी माजरा गांव में हुई शख्स की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक संजीव की पत्नी और उसके प्रेमी शिव कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों ने संजीव का रस्सी से गला घोटकर हत्या करने के बाद शव को जंगल में फेंक दिया था। अजब गजब लोग महिला हेल्पलाइन नंबर पर भेज दिए अश्लील फोटो वीडियो। उत्तराखंड पुलिस द्वारा मेडिकल उपकरण की कालाबाजारी की शिकायतों और अन्य सहायता के लिए जारी व्हाट्सएप नंबर पर एक शरारती तत्व ने अश्लील फोटो और वीडियो भेजे हैं। यह नंबर महिला हेल्पलाइन से जुड़ा हुआ है। डायल 112 प्रभारी की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। सराहनीय, डॉक्टर ने ड्राइवर बनकर बचाई कोरोना संक्रमित की जान। पिथौरागढ़ के बेरीनाग में डॉक्टर संदीप और स्टाफ नर्सिंग ऑफिसर मनोज ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए कोरोना संक्रमित शख्स की जान बचाई। डॉक्टरों के इस कार्य की हर तरफ चर्चा हो रही है। चश्मा न मिलने पर नाराज पिता ने बेटे पर चलाई गोली, गिरफ्तार। देहरादून के खुड़बुड़ा इलाके में रहने वाले राजेंद्र सिंह को पुलिस ने बेटे पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 के तहत केस दर्ज कर लिया है। कोरोना काल में उपनल पर 90,000 बेरोजगारों का रजिस्ट्रेशन, 16 साल में दी सिर्फ 22,000 नौकरी। उत्तराखंड में पूर्व सैनिकों के लिए बनाई गई उपनल संस्था में रोजगार पाने के लिए 90,000 बेरोजगारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। ये 90,000 का आंकड़ा कोरोना संकट काल के दौरान का है। हालांकि उपनल को 22,000 बेरोजगारों को नौकरी दिलाने में 16 साल लग गए हैं। कोरोना की रोकथाम के लिए पुलिस ने तैयार किया कोविड फ्री उत्तरकाशी ऐप। उत्तरकाशी पुलिस ने कोरोना की रोकथाम के लिए कोविड फ्री उत्तरकाशी ऐप तैयार किया है। उत्तरकाशी पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा की ओर से यह ऐप शुरू किया गया है। ऐप का शुभारंभ डीएम मयूर दीक्षित ने डेली फेसबुक लाइव सेशन के दौरान किया। रामनगर में अवैध खनन करते हुए दो वाहन सीज। रामनगर में वन प्रभाग तराई पश्चिमी ने अवैध खनन करते हुए दो वाहनों को सीज किया है। क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर लगातार कार्यवाही की जा रही है। रामनगर में अवैध खनन की लगातार मिल रही सूचना पर वन प्रभाग तराई पश्चिमी के रेंज अधिकारी अभिलाष वीर सक्सेना ने कोसी नदी में छापामारी कर कार्यवाही की है। छापेमारी के दौरान उन्होंने दो वाहनों को अवैध उपखनिज भरते हुए पकड़ा। उन्होंने कार्यवाही करते हुए वाहनों को सीज कर दिया है। ग्रामीणों के पास नहीं है स्मार्टफोन, कैसे कराएं वैक्सीनेशन के लिए पंजीकरण। हरिद्वार के गांवों में भी कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। लोग स्मार्टफोन ना होने के कारण वैक्सीनेशन प्रक्रिया में पंजीकरण भी नहीं करा पा रहे हैं। गांव के प्रधान ने प्रशासन को गांव की समस्या से अवगत कराते हुए उचित कार्यवाही की मांग की है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए 90 दिन की पैरोल पर रिहा हुए 15 कैदी। हाई पावर कमेटी के निर्देश के बाद हल्द्वानी उपकारागार से 15 कैदियों को 90 दिन के लिए पैरोल पर छोड़ दिया गया है। जेल अधीक्षक ने बताया कि आगे और कैदियों को भी छोड़ा जा सकता है। उत्तराखंड में कम हो रहा कोरोना की दूसरी लहर का असर, आंकड़े कर रहे तस्दीक। प्रदेश में सबसे अधिक मामले 7 मई को सामने आए, जब प्रदेश भर में 9,642 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई। फिर इसके बाद से कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी आना शुरू हुआ। इसके बाद से हर दिन नए कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आई है। उत्तराखंड में पहले बेटे फिर पिता का अंतिम संस्कार, कई और लोग भी बीमार। कोरोना का
कहर अब गांव-गांव से सामने आ रहा है। गांव के गांव कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि दूर दराज के गांव तो दूर, कोटद्वार के नगर निगम में नए शामिल किए गए गांवों में भी लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग दावे तो घर घर जाकर सर्वे और रैंडम सैंपलिंग की बात कर रहा है, लेकिन आलम यह है कि नगर निगम के वार्डों में भी अब तक सही से सैंपलिंग नहीं हो पाई है। कलाल घाटी क्षेत्र के वार्ड नंबर 34 उदयरामपुर गांव में बुखार से एक पिता और पुत्र समेत 3 लोगों की मौत से हड़कंप मचा है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में कई लोग बीमार हैं। कोरोना संक्रमण की आशंका से लोग भयभीत हैं। लोगों ने गांव में मेडिकल टीम भेजने और कोरोना जांच करवाने की मांग की है। 2 दिन के भीतर 3 लोगों की मौत की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है। सोमवार से क्षेत्र में मेडिकल टीम को सर्वे और टेस्टिंग के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है, महंगी पड़ी शादी की दावत, 44 लोग कोरोना पॉजिटिव। कनाली छीना के खुआकोट में 44 लोग संक्रमित हैं। बीते सप्ताह एक शादी समारोह हुआ, इसके बाद क्षेत्र में लगातार लोगों को बुखार और सर्दी की शिकायत होने लगी। 4 दिन पूर्व ही गांव में 96 लोगों की जांच की गई, शनिवार को 44 लोग संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना गांवों में तेजी से पैर पसार रहा है। स्थिति यह है कि गांव में किसी एक की लापरवाही से पूरा गांव ही इसकी चपेट में आ जा रहा है। लॉन्च हुई DRDO की 2DG दवा कोविड से लड़ाई में निभा सकती है अहम भूमिका। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अब DRDO की दवा का भी साथ मिल सकेगा। DRDO की दवा को लॉन्च कर दिया गया है। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO की एंटी कोविड दवा 2DG की पहली खेप लॉन्च की है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी मौजूद रहे। यह दवा कोरोना मरीजों में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने और कोविड-19 से उबारने में मदद करेगी। हरिद्वार में हत्या का खुलासा, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर उतारा था पति को मौत के घाट, जला शव मिला है। हरिद्वार में हत्या का खुलासा हुआ है, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की थी। पथरी थाना क्षेत्र में युवक की हत्या का दूसरे दिन ये पर्दाफाश हुआ। उत्तराखंड से बड़ी खबर, 15 दिनों में एक के बाद एक 35 लोगों की मौत से गांव में दहशत है, शासन प्रशासन बेखबर। रुड़की में कोरोना महामारी ने पूरे प्रदेश में अपना कहर बरपा रखा है। रोजाना सैकड़ों की संख्या में कोरोना से लोगों की मौतें हो रही हैं। प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना संक्रमितों के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने का आदेश अधिकारियों को दिया गया है। आपको बता दें कि मंगलौर क्षेत्र के लिबरहेड़ी गांव में ग्रामीणों के अनुसार 15 दिनों में एक के बाद एक 35 लोगों की मौत ने हैरत में डाल दिया है। हालांकि ये सरकारी आंकड़ा नहीं है, गांव के साथ ही आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक गांव है जिसमें लगातार मौतों से लोगों में दहशत फैल गई है। एक ही गांव में हुई 35 लोगों की मौत के बाद भी सरकारी अमला बेखबर बना है। उत्तराखंड में 4 महीनों से नहीं मिला वेतन, 15 कर्मचारियों के कोरोना से हो चुकी है मौत। कोविड के चलते उत्तराखंड परिवहन विभाग इन दिनों संकट के दौर से गुजर रहा है। कर्मचारियों को पिछले 4 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई। कर्मचारी नेता कमल पपनी का कहना है कि कोविड से रोडवेज के 15 कर्मचारियों की मौत हो गई, जिनके लिए सरकार से किसी भी तरह के मुआवजे की अब तक घोषणा नहीं की गई है। हड़ताल पर बैठे मनरेगा कर्मियों से मिले प्रीतम सिंह, हरदा ने किया समर्थन। अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे मनरेगा कर्मियों से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने आज मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मनरेगा कर्मियों को मदद का भरोसा दिया है। मदद को आगे आया निरंजनी अखाड़ा, दिए 50 लाख रुपए। कोरोना की लड़ाई में निरंजनी अखाड़ा मदद को आगे आया है। कोविड-19 की दूसरी लहर में प्रदेश में संक्रमण फिर एक बार तेजी से फैल रहा है। ऐसे में महंत रविंद्र पुरी ने मदद को हाथ बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को 50 लाख रुपए का चेक सौंपा है। युवती से छेड़छाड़ के मामले में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। रुद्रपुर में घर में घुसकर एक युवती से छेड़छाड़ व विरोध करने पर परिजनों के साथ मारपीट व तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।